आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशन की जुडिशियल बॉडी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आप जानते हैं क्या हुआ, अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जीनोसाइड का केस रजिस्टर्ड किया यूनाइटेड नेशन की बॉडी ICJ में। तो आप जैसा कि जानते हैं ये जीनोसाइड बहुत सारे ऑर्गन या फिर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इसराइल के द्वारा एट्रोसिटी की जा रही है गाज़ा में और अदर रीजन में, उसे जीनोसाइड करार दिया गया। क्योंकि आप फूड की एक्टिविटी रोके हुए हो, खाना नहीं पहुँचने दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर एक्टिविटी पर बैन लगाया गया। तो बहुत सारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस तरह के बैन लगाना एक जीनोसाइड की टेंडेंसी दर्शाता है और आप मासूम बच्चों पर रहम नहीं कर रहे हो, तो इस तरह से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ ख़त्म करना है तो उसका एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। तो ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 26 जनवरी के कुछ फैक्ट हैं वो देखेंगे हम, और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल साइबेरियन टाइगर के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, आपको अगर सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप हमारी वीडियो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम फ्री इनिशिएटिव चला पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, प्री परेड इवेंट क्या हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कल हमने रिपब्लिक डे के कुछ फैक्ट डिस्कस किए थे, आज कुछ फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप सारी चीज़ जान जाएं, आगे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो प्री परेड बिगनिंग कैसे होती है, देखो क्या होता है। 2022 से पहले क्या होता था कि आपको ये पता होगा, 2022 से पहले जो परेड स्टार्ट होती थी या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता था वो 24 जनवरी से स्टार्ट होता था। मगर 2022 के बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन 23 जनवरी से स्टार्ट किया, जिसे हम पराक्रम दिवस के बारे में जानते हैं। पराक्रम दिवस क्या, बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जैसा कि हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि गांधी जी की आइडियोलॉजी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो पराक्रम दिवस से अब रिपब्लिक डे स्टार्ट होता है, तो ये रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, UPSC छोटे से छोटा भी पूछ लेती है, बड़े से बड़ा भी पूछ लेती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, रिपब्लिक डे से पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट एक स्पीच देती है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन, आपने देखा होगा DD न्यूज़, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे DD न्यूज़ पर क्या है, आप परेड, वो परेड से पहले या एक दिन पहले है प्रेसिडेंट की स्पीच देती थी, वो नेशन को एड्रेस करती थी, उसमें अपने नेशन के अचीवमेंट बताए जाते हैं, गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया, किस तरह से अचीव किया, आगे इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं, विज़न हमारा क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। अब परेड शुरू होने से पहले क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे लीडर हैं वो अमर जवान ज्योति पर जाते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हैं, और सिंबॉलिक स्टार्ट डे ऑफ ऑफिशियल कमेमोरेशन, उसी दिन से सिंबॉलिक स्टार्ट हो जाता है रिपब्लिक डे का दिन, ठीक है। अब उसी अगले दिन क्या होता है, कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, आप जानते हो राष्ट्रपति वाले रोड पर आप ज़रूर गए होंगे, अगर नहीं गए UPSC की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली में हैं तो कर्तव्य पथ और राजपथ पर आप ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये इस दिन प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल फ्लैग फहराया जाता है, हमारा झंडा फहराया जाता है और नेशनल एंथम होता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है, गन की सलामी दी जाती है, तोपों की नहीं, गन की सलामी दी जाती है। तो इस तरह से हमारा रिपब्लिक डे का दिन स्टार्ट होता है, और मैंने आपको बताया बिगनिंग कैसे होती है। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हर चीज़ जान लेते हैं तो उससे एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने में अंदाज़ा लग जाता है। जैसे क्या है, आप देखो ये क्या है, जब रिपब्लिक डे का दिन होता है तो कर्तव्य पथ पर प्रेसिडेंट झंडा फहराती है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर डाल सकता है PCS, UPSC डाल सकता है प्राइम मिनिस्टर। तो छोटे से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसी आर्टिकल में आगे क्या बताया गया है कि पोस्ट सेलिब्रेशन होता है, पोस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, आप देख लो पहले फिर हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन क्या होता है, इवनिंग के टाइम पर क्या होता है, पद्म अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं।
आप देखेंगे पद्मा अवार्ड दिया जाएगा और गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हम गैलेंट्री अवार्ड देखेंगे क्या होता है। पद्म अवार्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे दोबारा डिस्कस कर दो तो हम इसे दोबारा डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद पोस्ट परेड इवेंट में, ये अवार्ड देने के बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है 29 जनवरी को, मतलब आज 28 जनवरी है, कल बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का कॉन्क्लूजन हो जाएगा। ये शाम के टाइम होती है, अक्सर इस दिन बारिश ज़रूर होती है दिल्ली में, मैंने अक्सर इवेंट में देखा है शाम के टाइम बारिश ज़रूर होती है। तो हम देख लेते हैं गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं। सीधी सीधी बात है, पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेंगे गैलेंट्री अवार्ड क्या। देखो गैलेंट्री अवार्ड जो है आर्म्ड पर्सनल और जो पैरामिलिट्री पर्सनल होते हैं और पुलिस फोर्सेज होती हैं इनको ब्रेवरी और वेलोर के लिए दिया जाता है। आप ये चीज़ याद रखिए, पहले ब्रेवरी और वेलोर के लिए दिया जाता था, अब पीस के लिए भी कुछ अशोक अवार्ड ऐड किए गए। गैलेंट्री अवार्ड जो फर्स्ट टाइम दिए गए थे वो तीन चीज़ों के लिए दिए जाते थे, पहला परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। इन्हें इंस्टीट्यूट किया गया था 1950 में 26 जनवरी को, ठीक है, मगर इनका इफेक्ट स्टार्ट हो गया था 15 अगस्त 1947 से। मतलब जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारी ब्रेवरी दिखाई आर्म फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और पुलिस फोर्सेस ने, उसके लिए उन्हें अवार्ड दिए जाने लगे। इफेक्ट का मतलब हो गया कि पीछे के लोगों को भी अवार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है केवल आगे जो इवेंट होंगे उन्हें अवार्ड मिलेगा। अब क्या किया गया, इसमें तीन अवार्ड और ऐड किए गए, जैसे अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 और अशोक चक्र क्लास 3, ये ऐड किए गए 1952 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रीनेम कर दिया गया इन्हें अशोक चक्र अवार्ड को, अशोक चक्र में, कीर्ति चक्र में और सूर्य चक्र में, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 6 अवार्ड हो गए, 6 अवार्ड में से पहला हो गया परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। फिर अशोक अवार्ड आए, अशोक अवार्ड को रीनेम कर दिया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सूर्य चक्र, ठीक है। तो इस तरह से ये 1967 में रीनेम किए गए। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मान्यता और सबसे ज़्यादा वैल्यू किस अवार्ड की होती है, परमवीर चक्र की होती है। वैसे वैल्यू सभी अवार्ड की होती है, मगर ये बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का काम किया है, किसी ने अपनी जान लगा दी है, किसी ने बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया है, तो ये परमवीर चक्र ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर होता है। फिर अशोक चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और सौर्य चक्र, इस तरह से होता है। देखो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड ये होते हैं, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ये होते हैं। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड में बता चुका आपको परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, महावीर चक्र हो गया और वीर चक्र हो गया। ऐसे ही पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, सौर चक्र हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने देखी। दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी ऐसी चीज़ों पर बहुत ध्यान देती है, ये अवार्ड 2 बार अनाउंस किया जाता है एक साल में, एक बार किया जाता है रिपब्लिक डे के दिन और दूसरी बार किया जाता है ये इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो ये अवार्ड आपको 2 बार देखने को मिलेगा, एक होता है रिपब्लिक डे के दिन होगा और दूसरा अवार्ड जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन होगा। पोस्ट परेड इवेंट मैंने आपको बताया, पोस्ट परेड इवेंट के बाद ही गैलेंट्री अवार्ड बताया, मैंने पद्मा अवार्ड आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप किसी को नहीं पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कल हम उसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आपको बता दी, कैसे 29 जनवरी को जो है हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है और उस दिन कंक्लूजन होता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब इनकरेक्ट बताने के लिए इट में पहला ऑप्शन देख लो, इट में स्पेस क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेसेसरली, दीज जनरल स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेसेसरली इनकरेक्ट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या नहीं कहा गया है। तो पहला इट में स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू विच डिसीजन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बताया गया है ना कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी और कैसे पावर का डिसीजन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फेडरल सिस्टम होगा, तो ये सही हो गया, ये इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इट में स्पेसिफाई द आइडियल्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ द डे शुड फॉलो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, वो ऑब्वियस सी बात है, ये भी ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन सी पॉलिसी और लेजिस्लेशन है वो आपको फॉलो किया जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, ठीक है।
और इसमें देखो जैसे पहले ऑप्शन में बताया गया है कि डिटेल में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि पावर और डिसीजन क्या होगा, ऐसी दूसरी आर्टिकल में भी यही चीज़ बताया गया है, डीपीएसपी हमारा बताता है कि पॉलिसी और लेजिस्लेशन किस तरह का होगा। तो ये क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा रिपीट करके देखिएगा और पढ़ के देखिएगा, नहीं समझ में आता तो कल फिर समझाते हैं। अब हमने फ्रंट पेज पर ही डिस्कस किया था कि अफ्रीका ने आईसीजे में इसराइल के खिलाफ केस किया है, साउथ अफ्रीका ने, और कहा है ये जेनोसाइड की टेंडेंसी जो है, जेनोसाइडल एक्टिविटी इसराइल के द्वारा जो की जा रही है इसे ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो हम आईसीजे के बारे में देख लेते हैं, आईसीजे क्या है और किस तरह से वर्क करता है और इसके इसकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन मेंबर होते हैं। पहली चीज़, इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। देखो आपने एक आईसीसी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो यूनाइटेड नेशन से संबंध नहीं रखता है। आईसीसी केवल क्या होता है, अगर यूनाइटेड नेशन चाहे तो कुछ केसेस आईसीसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो आईसीसी उस पर वर्डिक्ट सुना सकता है, मगर आईसीसी का कोई यूनाइटेड नेशन से संबंध नहीं है, आप हमेशा याद रखना। आईसीजी क्या है, एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है, प्रेस्टिजियस बॉडी है, लीगली बाइंडिंग इसकी सर्विसेज होती हैं और ये स्टेट के केसेस में देता है। जैसे दो स्टेट है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान, ये दो हैं। अब इसमें किसी बॉर्डर से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है, अब यूनाइटेड नेशन में दोनों चले गए तो जो डिसीजन सुनाया गया वो बाइंडिंग होगा। अब आईसीसी में क्या है, आईसीसी में कोई क्रिमिनल केस है, जैसे इसराइल के खिलाफ जीनोसाइडल है, वार क्राइम है, तो वार क्राइम के केस जाते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के केसेस जाते हैं आईसीसी में, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखो आईसीजे को स्टेबलाइज किया गया था जून 1945 में, एक चार्टर आया था यूनाइटेड नेशन का और जिसने वर्क स्टार्ट किया अप्रैल 1946 से, ठीक है। इसकी सीट जो है पीस पैलेस है द हेग नीदरलैंड में, वहाँ पर है। देखो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें से केवल यही एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बॉडी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में नहीं है, ठीक है। आईसीजे की जो हियरिंग होती है वो पब्लिक होती है, ऑलवेज पब्लिक होती है। दूसरी चीज़, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, एक है फ्रेंच और एक है इंग्लिश, ठीक है, आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी अरेबिक डाल देगा, कुछ डाल देगा। पावर एंड फंक्शन क्या, 2 टाइप की पावर है, एक होता है लीगल डिस्प्यूट, दो स्टेट के बीच में कोई कंटेंशियस इशू है, बॉर्डर इशू है, रिवर इशू है, उसको सॉल्व करता है। एडवाइजरी ओपिनियन, आप दो एक स्टेट है वो कह रहा मुझे एडवाइजरी ओपिनियन दो कि इस मैटर में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे यहाँ रिवर का डिस्प्यूट बहुत चल रहा है, तो एडवाइजरी ओपन दिया जाता है। अब ये जो वर्डिक्ट है इसकी किस पे मान्य होती है, देखो केवल जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन पे मान्य होती है, और जो स्टेच्यूट जो चार्टर साइन किया गया है कोर्ट के द्वारा उसको किसी ने साइन किया है तो उन पर मान्य होती है, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है वो केवल एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, जबकि आप कंटेंशियस केसेस वाला देखेंगे लीगली, ये लीगली बाइंडिंग होता है, लीगल जो आप हमने ऊपर देखा ना, ये लीगल डिस्प्यूट वाला बाइंडिंग होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और एडवाइजरी ओपिनियन नॉन बाइंडिंग होता है, आप मानो तो सही, ना मानो तो सही, ठीक है। अब आईसीजे जो डिसाइड करता है केसेस को, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीजे जो केस डिसाइड करता है ये कैसे कर लेता है भाई, इसके पास कोई लॉ नहीं है। देखो ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं नेचुरल जस्टिस वाले उसको फॉलो करता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं बहुत सारी उन्हें फॉलो करता है, इंटरनेशनल कस्टम होते हैं और जो सिविलाइज्ड नेशन के लॉ होते हैं एक्सपर्ट होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या है, इसमें देखो 15 जजेस होते हैं और डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आए होते हैं, डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, जिसे चूज किया जाता है यूनाइटेड जनरल असेंबली के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। और ये इलेक्ट होते हैं 9 साल के लिए, आप याद रखना, ठीक है, 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और आपको जीतने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, जैसे 100 लोग हैं तो आपको 51 वोट चाहिए। अब 100 लोग वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट से कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ही है हमें वैकेंसी वैकेंसी से मतलब नहीं है, आप हमें वैकेंसी वैकेंसी मत बताइए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का डायरेक्ट मतलब होता है कि आप जो है डायरेक्ट 100 में से 51 वोट लाइए अगर 100 डालना, ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दोनों जगह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 1/3 मेंबर एवरी थ्री ईयर रिटायर होते रहते हैं, मतलब 9 साल का आपका टेन्यूअर है तो क्या होगा, हर 3 साल में 1/3 मेंबर निकलते रहेंगे, ठीक है। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं जज, उन्हें दोबारा से इलेक्ट किया जा सकता है और
कोई भी जो जज है वो किसी भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के फेवर में वोट नहीं देते, मगर कभी कभी पार्शियलिटी देखने को मिलती है, ये रसिया के केस में देखने को मिली थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने ये आईसीजे से रिलेटेड पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस तरह से वर्क करता है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन देखा, गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जाना। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं साइबर से रिलेटेड, मतलब साइबेरियन टाइगर से रिलेटेड। पहले हम इसका कंटेक्स्ट जान लेते हैं। देखो क्या हुआ है, अभी एक हमारे यहाँ पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ सिप्रस से दो साइबेरियन टाइगर लाए गए, लारा और अकामासा, ठीक है। इसके बदले में हमने एक्सचेंज किया रेड पांडा को, जिसको पेफोस जू सिप्रस में पहुँचाया गया। हमारे यहाँ लास्ट जो साइबेरियन टाइगर था वो कुनाल था, जो नैनीताल जू में 2011 में ख़त्म हो गया। अब IUCN स्टेटस जान लो, साइबेरियन टाइगर का नाम जो साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस अल्टाइक है, ठीक है, इसे अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, आप ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये IUCN में इंडेंजर्ड है और ये कोल्ड क्लाइमेट में रहता है, आपको रसिया में मिलेगा, आपके अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, मगर अभी तो ये है नहीं, रसिया के क्षेत्र में होगा या चाइना के क्षेत्र में होगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इंडेंजर्ड है। जैसे अपना टाइगर इंडेंजर्ड है, कल हमने डिस्कस किया था गोल्डन टाइगर के बारे में, वैसे ये इंडेंजर्ड है। रेड पांडा, अब रेड पांडा क्या है, रेड पांडा का साइंटिफिक नेम एलुरस फलगंस है, ठीक है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल वन में रखा गया है और अपेंडिक्स फर्स्ट में, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसे मिली है। देखो अपेंडिक्स वन में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, शेड्यूल वन में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है, और थ्रेटन में इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वन लेवल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। ये प्रोटेक्शन इसलिए दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किलिंग को बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताइए कि 50% ऑफ रेड पांडा हैबिटेट इज द ईस्टर्न हिमालय, जो 50% रेड पांडा है वो हमारे ईस्टर्न हिमालय में, मेनली इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये सिक्किम हो गया, ठीक है, सॉरी सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट बंगाल का, और स्टेट एनिमल है ये हमारा सिक्किम का। तो इस तरह से आज हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें हमारे ऑफिशियल चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मेरी ID WASI S34 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, @WASI S34 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हर संभव हेल्प करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम कोई है तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।